सीतापुर आई हॉस्पिटल में शुक्रवार को भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्यों ने केंद्र और राज्य आईएमए के आह्वान पर एनएमसी बिल 2017 जो कि लोकसभा में लंबित है, आईएमसी बिल 2018 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 जो कि हाल में लोकसभा में पास हो गई है जबकि राज्यसभा में पास होना बाकी है, काली पट्टी बांधकर संपूर्ण भारत विरोध दिवस मनाया। बिल के विरोध में महानगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों डॉक्टर आरपी शुक्ला, डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर रंजना बागची सहित अन्य चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व आईएमए सचिव डॉक्टर आरपी शुक्ला ने कहा, आज का प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है आईएमए की तरफ से एनएमसी एक्ट के खिलाफ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल जो गवर्नमेंट एक ला रही है, अमेंडमेंट कर रही है उसके खिलाफ में। अभी तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 15 लाख तक की लिमिट थी, उसको बढ़ा करके गवर्नमेंट जो है 1 करोड़ का कर रही है, जिसका कि दुष्परिणाम ये निकलेगा कि डॉक्टरों पर अनावश्यक और लिटिगेशंस की संख्या बढ़ जाएगी, मुकदमों की संख्या बढ़ जाएगी और उसके वजह से डॉक्टर इन तमाम ऐसे गंभीर मरीजों का इलाज करने से हिचकिचाएंगे। दूसरी बात ये है कि सरकार के साथ में हम लोग की पहले से बात चल रही है कि और कोई भी किसी तरीके की दुर्घटना होती है इलाज के दौरान तो उस पर जब मुकदमा केस में कोर्ट में चलता है तो उस पर बढ़ा चढ़ा करके कंपेंसेशन मांगा जाता है जो कि कई डॉक्टरों की क्षमता से बहुत ज़्यादा बाहर होता है। तो इसके विषय में गवर्नमेंट से हमारी ऑलरेडी बात वार्तालाप चल रही है कि उस पर कैपिंग किया जाए, कैपिंग ऑफ कंपेंसेशन के लिए। तो एक तरफ सरकार कैपिंग ऑफ कंपेंसेशन के लिए बातचीत कर रही है और उस बातचीत के पूरा होने के पहले ही बीच में ही कंपेंसेशन की लिमिट बढ़ा करके 1 करोड़ कर दे रही है। तो ये दुविधाएँ जो है, दो तरह की बात करना ये उचित नहीं है। जब तक कि वार्तालाप सही मोड़ पे न पहुंच जाए तब तक इस बिल को रोक देना चाहिए था। दूसरी बात जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट जो गवर्नमेंट बना रही है, पहले एक एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें कि डॉक्टरों का उचित प्रतिनिधित्व होता था, लोकतांत्रिक तरीके से नीचे से चयन होकर ऊपर तक और उसका बॉडी का निर्माण होता था। अब गवर्नमेंट जो नेशनल मेडिकल काउंसिल बना रही है उसमें वो 25 मेंबर्स में से 21 लोगों को तैयार हुई है कि डॉक्टरों को रखेंगे, लेकिन उसमें केवल 3 जो हैं प्राइवेट डॉक्टरों को रखने को तैयार हुई हैं आईएमए के उस पर मेंबर्स में से, और 16 जो हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स रहेंगे और कुछ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि रहेंगे, और सेक्रेटरी भी जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी उसको, जिसका नतीजा ये होगा कि ये पूर्णतया जो है अलोकतांत्रिक संगठन हो जाएगा जिसमें कि सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी और किसी भी प्रकार की रुकावट जो है संस्थाएं जो हैं आईएमए या और प्राइवेट डॉक्टर्स वो उसमें किसी तरीके की निगरानी नहीं रख पाएंगे सरकार के कार्यकलापों पे और पूरी तरह से ये निरंकुश हो जाएगा। तो इस तरीके का एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसी कोई काउंसिल ना बनाई जाए जो अलोकतांत्रिक और निरंकुश हो। पिछले साल भी हम लोगों ने इसका काफ़ी ज़ोरदार तरीके से विरोध किया था तो सरकार इसको स्टैंडिंग कमेटी को देने को तैयार हो गई थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की जो प्रस्ताव आए उसमें से कुछ तो सरकार ने मांग लिए हैं लेकिन काफ़ी सारी मांगें सरकार अभी भी मानने से पीछे हट रही है और लोकसभा में इसको रखा गया है। तो चाहते हैं हम लोग कि और जितनी भी हमारी मांगें हैं उन पर ठीक से विचार हो जाए तभी इसको लोकसभा में लाया जाए और आगे बढ़ाया जाए, तब तक के लिए इसको रोक दिया जाए।